ഹായ് ഗേൾസ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. സോ ട്രിയ ഗുരു വേദി എസ് എഫ് ആർ ലിക്വിഡ് ഐ ഷാഡോസ്. സോ ഐ ഹാവ് ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് എസ് എഫ് ആർ ലിക്വിഡ് ഐ ഷാഡോസ്. വൺ ഇസ് എ ഗ്ലിറ്റർ ജെൽ ആൻഡ് ദി അതർ വൺ ഈസ് എ ഷിമർ ലിക്വിഡ് ഷാഡോ. സോ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റ്സ് ഹാവ് എ ലുക്ക് അറ്റ് ദി സ്വാച്ചസ് ആൻഡ് ദെൻ വി മൂവ് ഓൺ ടു ദി റിവ്യൂ. Okay, so these are the three glitter gel that I have. I have them in three shades, 01, 02 and 06. So 01 is a silver holographic shade, 02 is a golden shade and 06 is a light pink shade. And I have the shimmer liquid shadow in one shade, which is 04, and this one is a peachy shade with golden reflex in it. Okay, so now moving on to the price. दोनों का प्राइस सेम है. बोथ ऑफ देम कॉस्ट 125 रुपीज ईच एंड आई गॉट देम फ्रॉम कफ्स एंड लैशेस. तो अगर आप बल्क में लोगे तो फिर ऑब्वियसली आपको लेसर प्राइस के पड़ेंगे. आई थिंक जैसे ग्लिटर जेल वाला जो है वो 85 रुपीज ईच पड़ेगा अगर आप तीन या उससे ज़्यादा लेते हो तो. तो ये हुई प्राइसेस की बात. नाउ मूविंग ऑन टू द फॉर्मूला. तो जो ग्लिटर वाला है उसमें चंकी ग्लिटर्स हैं, जबकि जो शिमर वाला लिक्विड आई शैडो है वो बेसिकली एक शिमर आई शैडो की तरह ही है लिक्विड फॉर्म में. तो उसमें कोई चंकी ग्लिटर्स नहीं है, वो बहुत ही फाइन शिमर पार्टिकल्स हैं और एक ड्यूक्रोमैटिक इफेक्ट देता है. देन सेकंड चीज़, जो ग्लिटर वाला है, जो ग्लिटर जेल है, क्योंकि उसमें चंकी ग्लिटर्स हैं वो ढंग से अप्लाई नहीं होता है, वो इवनली अप्लाई नहीं होता है. तो जैसे जब आप उसे आईलिड्स पे लगाओगे तो जब आप उसे परफेक्ट करने लगोगे तो वो हटता चले जाएगा. जब जब आप दोबारा दोबारा उसके ऊपर लगाओगे वो हटना चालू हो जाएगा. लेकिन जो दूसरे वाला है वो इवनली अप्लाई हो जाता है. तो जैसे आप उसे कट क्रीज भी कर सकते हो, जैसे बेसिकली स्विस ब्यूटी का लिक्विड आई शैडो अप्लाई होता है वो वैसे ही ये शिमर वाला अप्लाई हो जाता है. उस वो इवनली अप्लाई होता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती. देन तीसरी चीज़ जो है वो ये है कि ग्लिटर वाला जो है, जो ग्लिटर जेल है वो सेट नहीं होता है. बहुत देर तक वेट करके देखा था मैंने, लेकिन वो सेट हुआ ही नहीं. तो अगर आप बार बार फिंगर से टच करोगे अपनी आईलिड्स को या फिर ब्लिंक करते रहोगे तो वो मूव होने लगे, क्योंकि वो एक पूरा का पूरा ड्राई नहीं होता है. लेकिन जो शिमर वाला है वो ड्राई हो जाता है, थोड़ा सा टाइम लगता है लेकिन वो ड्राई हो जाता है. देन जो ग्लिटर वाला है वो क्योंकि उसमें चंकी ग्लिटर्स हैं तो वो हैवी फील होता है. जो शिमर वाला है वो फाइन है, तो वो ऐसा जितना कुछ हैवी फील नहीं होता है, बहुत ही हल्का सा लगता है कि हाँ आपने आईज़ पे कुछ लगा रखा है, कोई ऐसा हैवी फील नहीं होता है. लेकिन ग्लिटर वाला तो काफ़ी हैवी फील होता है. देन जो ग्लिटर वाला है वो दिखने में तो बहुत ही सुंदर लगता है, क्योंकि वो ग्लिटर्स जो एकदम पॉप होते हैं एंड दूर से यू नो नोटिस किए जाते हैं, तो बहुत ही सुंदर लगता है. बट जो शिमर वाला है वो उतना ज़्यादा सुंदर नहीं दिखता है इस पर, क्योंकि उसमें वो ग्लिटर पार्टिकल्स नहीं है तो वो शाइन नहीं आती. एक बहुत ही सटल सा यू नो एक सटल सा ग्लो सा दिखता है. तो ग्लिटर वाला दिखने में ज़्यादा प्रिटी लगता है. बट एक जो प्रॉब्लम है, जो बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है दोनों में, वो ये है कि ये दोनों स्टार्टिंग में लगाते टाइम पे एक कूलिंग सेंसेशन सी देते हैं, तो आपको ठंडा ठंडा लगेगा आईलिड्स पे. लेकिन थोड़ी देर बाद कूलिंग सेंसेशन बर्निंग सेंसेशन में कन्वर्ट हो जाती है, तो लिटरली आईलिड्स बर्न होने लगती है. ये शिमर वाले के साथ इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, उससे आईलिड्स में इतनी ज़्यादा बर्निंग सेंसेशन नहीं आती है. लेकिन जो ग्लिटर वाला है वो तो हद से ज़्यादा बर्न करता है आईलिड्स को. लाइक 5-10 मिनट बाद तो लगाने के बाद मुझे हटाई देती, क्योंकि इतनी ज़्यादा आईलिड्स जलने लग जाती है. देन बट तो यू नो कैच 22 सिचुएशन है कि वो दिखने में तो सुंदर लगता है ग्लिटर वाला, लेकिन उसके साथ प्रॉब्लम्स भी इतनी है कि वो तो हैवी फील हो रहा है, वो ढंग से सेट नहीं होता है, वो थोड़ा यू नो इवनली भी अप्लाई नहीं होता है, एंड वो बर्निंग सेंसेशन वाली प्रॉब्लम तो मेजर प्रॉब्लम ही है. एंड देन ग्लिटर वाले में एक और अच्छी बात है कि उसमें बहुत सारे शेड्स आते हैं, तो हर तरीके का शेड है, लाइक सिल्वर, गोल्डन, पिंक्स, रेड्स, ग्रीन, ब्लू, सारे के सारे शेड्स. बट जो शिमर वाला है उसमें आई थिंक 6 शेड्स ही आते हैं. तो ओवरऑल मैं यही
कहूँगी कि मैं पर्सनली आपको ये रिकमेंड नहीं करूँगी बिकॉज मेजरली वो बर्निंग सेंसेशन की वजह से, सो आई वुडंट बी रिकमेंडिंग दीज टू यू, बट इफ़ यू स्टिल लाइक टू बाय देम देन यू कैन डेफिनेटली गो अहेड एंड बाय देम, वो आपकी मर्जी है, यू श्योरली कैन, बट आई पर्सनली वुडंट बी रिकमेंडिंग दीज टू यू क्योंकि वो बर्निंग सेंसेशन की वजह से. तो वही एज एज ए कैच 22 सिचुएशन है कि दिखने में सुंदर लगता है तो अगर फोटोग्राफ्स वगैरह के लिए ना थोड़ी देर के लिए लगाना पड़े लाइक 5 मिनट के लिए तो अच्छे हैं लेकिन उससे ज़्यादा नहीं. ओके सो बाय द वे मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गई कि ये जो ग्लिटर जेल है ये बहुत ही मुश्किल से मूव होता है. लाइक मेरे पास वो गार्नियर ऑयल इन्फ्यूज मिसेलेनियस वाटर है वो येलो वाला, एंड उसे मैं इतनी बार लगाती हूँ लाइक 4-5 बार लगाती हूँ और रिमूव करती रहती हूँ तब जाके रिमूव होता है. ये ग्लू जो है पता नहीं कैसा अजीब ग्लू है, ये उस ग्लिटर को हटने ही नहीं देता है. एंड वैसे भी यू नो ग्लिटर वाली चीज़ें निकालने में थोड़ी मुश्किल होती हैं. एंड हाँ, और एक तो इतना ध्यान से निकालना पड़ता है क्योंकि वो जो ग्लिटर होती है अदरवाइज वो फैल जाएगी एंड देन वो आपके आईलैशेस में भी चिपक जाएगी, तो आपको ढंग से यू नो वहीं पे ऐसे ऐसे करके निकालना पड़ेगा, ऐसे नीचे नीचे ड्रैग मत करना अदरवाइज वो आईलैशेस में चिपक जाएंगी. एंड या एक चीज़ और, मैंने ये पिंक वाला लगाया ग्लिटर आई शैडो फिर से, बाकी मैंने कलर्स लगा रखे हैं लेकिन ये इतना बर्न कर रहा है, मैं सोचा मैं दोबारा कैमरा पे बता दूँ. मैं लगाया तो 2-3 मिनट तक नहीं हुआ बर्न, लेकिन फिर वो बर्न करना स्टार्ट करने लग गया, अभी मुझे मिर्च लग रही है और इतनी मिर्च लग रही है कि इसके बाद मैं सीधे किसके सीधे निकालने वाली हूँ. सो ये था ग्लिटर आई शैडो और शिमर आई शैडो का बाय SFR, इनका कंपैरिजन एंड रिव्यू. सो आई होप यू फाउंड दिस रिव्यू हेल्पफुल. अगर आपको रिव्यू पसंद आया देन टू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. या आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वन एंड टेक केयर एंड बाय.